नमस्कार, मैं हूं विनय, आपके साथ फाइनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां पाढ़ुनी में विशेष खेल गोट मार के मेले का आयोजन हुआ। मेले के दौरान शांति और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए, क्योंकि इस खेल में लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। दरअसल पाढ़ुनी में पोला पर्व के दिन गोट मार खेल हो रहा है। इस खूनी खेल को रोकने के लिए इस बार भी प्रशासन ने पूरे प्रयास किए, लेकिन फिर भी यह खेल हो रहा है। जाम नदी में पूजा के बाद मेला शुरू हो गया। इसमें पहले लोग मां चंडिका के दर्शन करते हैं और फिर पलाश रूपी झंडे पर ध्वजा लगाते हैं। इस खेल को लेकर एक कथा भी प्रचलित है। बताया जा रहा है कि शनिवार को इस मेले की धमाकेदार शुरुआत हुई। सुबह करीब 11 बजे मेले की शुरुआत होते ही दोनों ओर से जमकर पत्थरबाजी की जा रही है। शाम 4:30 बजे तक करीब 200 खिलाड़ियों के घायल होने की सूचना मिली है। इनमें से 3 खिलाड़ियों की हालत बेहद गंभीर है और उन्हें नागपुर रेफर किया गया है। पिछले साल भी कोरोना के बावजूद गोटमार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 234 लोग घायल हुए थे। खबर मंडाला से है, जहां यातायात पुलिस मंडाला अपने रोबोट के साथ जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में जाकर स्कूली छात्र छात्राओं को रोबोट के द्वारा यातायात नियमों की जानकारी दे रही है और ट्रैफिक सिग्नल के काम करने के तरीके और सिग्नल पर चलने के तरीके सिखा रही है। रोबोट को काम करते देख स्कूली छात्र छात्राएँ रोमांचित हो रहे हैं और उसके द्वारा बताए जा रहे सिग्नल से आकर्षित होकर नियम की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। ज्ञात हो कि पूर्व में ट्रैफिक सुवेदार योगेश राजपूत द्वारा ऑटोमेटिक सिग्नल रोड बनाया गया, जिसका उपयोग अब ट्रैफिक पुलिस बच्चों के यातायात के नियम सिखाने में कर रही है। इस प्रयोग का अच्छा प्रतिसाद भी देखने को मिल रहा है। सिवनी पुलिस ने लोगों को बढ़ते साइबर और अन्य अपराधों के लिए जागरूक करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान में अपराधों के प्रति जागरूक करने वाली जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास पुलिस ने किया है। इस अभियान के तहत जिले के 1500 गांवों में व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा रहे हैं, जिनके जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। आपको बता दें, इस तरह का अभियान पहली बार सिवनी ज़िले में शुरू किया गया है और सिवनी एसपी रामजी श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में यह पूरा अभियान संचालित किया जा रहा है। ज़िले में अब तक 1000 गाँव के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जा चुके हैं। बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो पीड़ित पक्ष की थोड़ी सी सजगता से घटने से रोके जा सकते थे। उदाहरण के तौर पर साइबर फ्रॉड है, उदाहरण के तौर पर रोड एक्सीडेंट्स हैं, उदाहरण के तौर पर जो बालिकाओं के भागने की घटनाएं हैं, उदाहरण के तौर पर सूने घर में चोरियां हैं। ये बहुत सारे अपराध ऐसे हैं जो अगर हमारा पीड़ित पक्ष थोड़ा सा सजग हो तो उसके साथ अपराध घटित नहीं होगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनको अवेयर करने के लिए, हमारे नागरिकों को अवेयर करने के लिए हमने गांव प्रत्येक गांव के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का प्लान किया। वहीं खबर विदिशा से है, जहां मोटरसाइकिल सवारों को समझाइश देते हुए पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ग्यारसपुर पुलिस ने सड़क सुरक्षा के बारे में वाहन चालकों को समझाइश दिया, यानी ट्रैफिक नियमों के बारे में बताया। इसमें ग्यारसपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा सड़क सुरक्षा के नियम बताए गए एवं लोगों को जागरूक किया गया। Thank you.
ग्यारसपुर में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी AK उपाध्याय ने ग्यारसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने NRC में जाकर मरीजों के स्वास्थ्य का हाल जाना। वहीं उन्होंने मिल रही स्वास्थ्य सुविधा के संबंध में पूछताछ की। वहीं BMO के निर्देश दिए हैं कि NRC रूम में मेंटेनेंस का कार्य करवाएं। वहीं उन्होंने दवाई स्टोर में जाकर दवाइयों के स्टॉक की भी जानकारी ली। यहाँ जो है एक तो बिल्डिंग की समस्या है, कुछ टीन डली हुई है, वो टीन टपकती है और जगह की भी कमी है। जैसे कि पोस्टमार्टम रूम का भी बताया गया, वो नया बन रहा है, वो नया दूसरा ठेकेदार आएगा वो बनाएगा। साथ में ये बिल्डिंग का भी, नई बिल्डिंग की सेंक्शन हो रही है, यहाँ का सिविल हॉस्पिटल हो गया है यहाँ का, तो इसलिए जो है अभी ज़्यादा नए काम तो नहीं होंगे, क्योंकि नई बिल्डिंग जब सेंक्शन हो गई तो नई बनेगी। पर बाकी जो छोटे मोटे काम हैं वो मरम्मत के, वो अभी होंगे 1-1.5 महीने के अंदर। वहीं खबर डिंडौरी से है, जहां बाजांग विकास खंड अंतर्गत प्राथमिक शाला शिक्षकों की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि प्राथमिक शाला जलदा में 2 शिक्षक पदस्थ हैं, जिसमें 1 रेगुलर शिक्षक 1 अतिथि शिक्षक है, लेकिन 2 शिक्षक रहने के बाद भी स्कूल बंद कर अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। प्राथमिक शाला जलदा 1 शिक्षकीय शाला है और वहाँ के जो शिक्षक है धनीराम ध्रुवे, उनकी लगातार लगभग 1 साल की पेमेंट बंद है और उनको सैलरी नहीं दी जा रही। वहाँ एक टीचर चमरू ध्रुवे को अटैच किया गया था, लेकिन इसी कारण शिकायत के बेस पर ही अटैच किया गया था, लेकिन विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उनको पुनः वापस कर दिया गया और वो शिक्षक जो है वो लापरवाही लगातार कर रहा है।